सोलन के विधायक धनीराम शांडिल ने सोलन में बिगड़ती कोरोना की स्थिति को लेकर चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा कि कुछ समय पहले मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें सभी दलों के प्रतिनिधियों ने कोरोना को नियंत्रित करने के लिए महत्वपूर्ण सुझाव दिए थे और जो कमियां और खामियां रह गई थी उन्हें दुरुस्त करने की सलाह भी दी गई थी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के प्रतिनिधि अपने जिला में कोरोना को नियंत्रित करने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं। सोलन में भी उनकी टीम द्वारा आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस कार्य में पैसे की कमी आड़े ना आए, इसके लिए हर संभव प्रयास भी किए जा रहे हैं। विधायक कर्नल धनीराम शांडिल ने कहा कि पिछले वर्ष भी शहरी कांग्रेस अध्यक्ष अंकुश सूद और ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष संजीव ठाकुर की अध्यक्षता में कोरोना को नियंत्रित करने के लिए शहर को सैनिटाइज किया गया था। मास्क, ग्लब्स व अन्य जरूरी वस्तुओं का वितरण भी किया गया था, जिसके लिए उन्होंने 10 लाख की राशि जिला प्रशासन को उपलब्ध करवाई थी। इस बार भी उनके द्वारा विधायक निधि से जिला प्रशासन को 10 लाख उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, ताकि फिर से कोरोना से निपटा जा सके। उन्होंने कहा कि वे स्वयं अपनी टीम से प्रतिदिन सोलन में चल रही गतिविधियों के बारे में फीडबैक लेते हैं। किसी भी तरह की सोलन वासियों को कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए बकायदा हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। हमारे विधानसभा क्षेत्र में सोलन शहर, जिसमें अभी निगम चुनाव समाप्त हुए हैं, जो 17 वार्ड हैं, हमारे शहरी कांग्रेस के अध्यक्ष श्री अंकुश सूद जी अपनी टीम को पिछले तार की तरह इस बार भी काम में संलग्न हो गए हैं। और मैं देखता हूं कि जब शाम को 6 से 8 के बीच में हम ब्रीफिंग करते हैं, उन्होंने क्या क्या काम किया, इसकी चर्चा होती रहती है। मैंने पिछली बार की तर्ज पर इस बार भी पहली किस्त के रूप में विधायक निधि से 10 लाख रुपये देने का फैसला किया है, और उसमें किस प्रकार से हम प्रशासनिक कार्रवाई करेंगे, किस प्रकार से उसको ठीक तरीके से इसका फायदा मिले हमारी आम जनता को, इसके बारे में मेरी पूरी नज़र इस पर स्वयं भी रहेगी। और इसी प्रकार से जो पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी के अध्यक्ष हमारे संजीव ठाकुर जी हैं, उनकी अध्यक्षता में हम पूरे क्षेत्र के लोगों को थोड़े सेक्टर में बांटेंगे और सभी क्षेत्रों के जिम्मेवार लोगों से 6 से 8 के दरमियान में जिस प्रकार से शहरी कांग्रेस की बातों का पता लगता है, इसी प्रकार से कॉन्स्टिट्यूंसी की सब प्रकार की समस्याओं का हल ढूंढने के लिए और किसका किस समस्या है उनको और ठीक तरीके से देखा जा सकता है, क्योंकि कोविड के दिनों में आम लोगों को परेशानी होती है, हर प्रकार की परेशानी होती है, चाहे वो दवाइयों की हो, चाहे हॉस्पिटल जाने की हो, चाहे किसी सिलेंडर या एम्बुलेंस की उपलब्धता की हो, इन सब चीज़ों के बारे में भी हम 6 से 8 के दरमियान में रोज जो एक डीब्रीफिंग कॉन्फ्रेंस हमारी होती है, उसमें इस कोविड से जो परेशानी हो उसके हम चर्चा करते हैं कॉन्स्टिट्यूंसी के भाइयों बहनों से। बुजुर्गों से अपील करता हूं कि वो जो निर्देश हैं उनका पूरा पालन करें, एक सामाजिक दूरी बनाए रखें, मास्क पहन कर ही, बल्कि जहां तक कि किसी और बड़े क्षेत्रों में जाना हो जहां ज़्यादा लोगों की संभावना हो, सामान लेने जाना हो तो डबल मास्क का इस्तेमाल करें, अपने साथ सैनिटाइजर भी रखें और अपनी पर्सनल हाइजीन का ध्यान रखें और सब दूसरों को भी इसका ज्ञान दें, ताकि हम इस वैश्विक महामारी से पार पा सकें और हमारे लोग स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें। धन्यवाद। जय हिंद।